नमस्ते, वेलकम टू भूपेंद्र किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि स्नैक की रेसिपी है। ये बंगाल की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो कि है झाल मुड़ी की। इसका कैलोरी वाइज अगर आप देखा जाए तो कैलोरी बहुत ही कम होता है इसमें, जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स में ऐड होगा, जो मेन इंग्रेडिएंट, वो है मुड़ी, जिसको बोलते हैं हम पफ्ड राइस भी बोलते हैं, बट इसको हिंदी में मुड़ी बोला जाता है। तो ये हमने ऐड करना है इसमें। और जो हमने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमने टमाटर छोटे कटे हुए, प्याज, आलू, जो हमने दो आलू को बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, दो हरी मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें आम का जो अचार का जो मसाला है, और हमने चार पीसेस कट करके रखे हुए स्लाइसेस नींबू के। उसके बाद हमने इसमें पीनट जो है रोस्ट किए हुए हैं, और हमने इसमें भुजिया ऐड करना है। भुजिया में आप और भी चाहें तो आप ले सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक बॉल में मुड़ी को ले लिया था, उसके बाद हमने जो इसमें वेजिटेबल्स हैं वो हम ऐड करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले प्याज ऐड किया था, टमाटर, बॉईल किए हुए आलू, और उसके बाद हमने इसमें जो दो हरी मिर्च थी जो बारीक कटी हुई, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसमें आम का जो अचार का जो मसाला था वो हम इसमें ऐड करके एक चम्मच जो हमने कच्चा जो है सरसों का तेल जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तेल जो है वो हमने कच्चा ही ऐड करना है, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। और मस्टर्ड का ही आप जो तेल है वही इस्तेमाल करें, और कोई इस्तेमाल ना करें। आप इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें, ताकि जो सारा मटेरियल हमारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हम इसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालेंगे, जैसे हमने सबसे पहले ब्लैक सॉल्ट जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ब्लैक सॉल्ट के बाद हमने इसमें जीरा का पाउडर जो कि रोस्ट किया हुआ था, धनिया का पाउडर वो भी हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड किया हुआ है। चाट मसाला ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो भुजिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। भुजिया ऐड करने के बाद हमारे पास जो रोस्टेड जो हमारे पास पीनट थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम जो इसमें लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा इसमें लेमन का जो जूस होगा, जो नींबू का रस, वो हम इसको धीरे धीरे इसमें एक एक करके डाल देंगे। डालने के बाद उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नींबू का जो रस है वो आप अपनी मुड़ी की जो क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से ही आप डालें, बहुत ज़्यादा भी ये खट्टा ना हो जाए। तो ये हमारा जो है अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट हमारे इसमें मिल चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा ये बनने में टेस्टी भी लगता है, और बहुत ही लाइट होता है ये स्नैक। आप इसको चाहें तो कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैलोरी वाइज भी इसकी काउंटिंग बहुत अच्छी है, वेट लॉस में ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। तो ये जो झालमुड़ी है बनके हमारी रेडी हो चुकी है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है सारे। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, और इसको मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।